वीके मिश्रा प्रेजेंट। हमारे चैनल पे बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं। जय श्री राम, जय हनुमान। मैं विजय मिश्रा। क्या आपको यह पता है कि एक बार पवनसुत हनुमान श्री राम जी से लड़ने पहुंच गए? हो सकता है यह जानकर आपको हैरानी हो, लेकिन यह सत्य है और इस घटना का जिक्र श्री राम कथा में ही सुनने को और पढ़ने को मिलता है। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि पवनसुत जब श्री राम से लड़ने के लिए तैयार हुए तो उन्होंने सौगंध भी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की ही ली। आइए जानते हैं कि ऐसा क्या हुआ था कि श्री राम के परम भक्त पवनसुत को उनसे युद्ध करना पड़ा। एक समय की बात है, एक बार सुमेरु पर्वत पर सभी संतों की सभा का आयोजन हुआ। कैवर्त देश के राजा शुकंत भी वहां उसी सभा में सभी संतों का आशीर्वाद लेने जा रहे थे। रास्ते में उन्हें देवर्षि नारद मिले। राजा शुकंत ने उन्हें प्रणाम किया। इस पर श्री नारद जी ने उन्हें आशीर्वाद देकर यात्रा का कारण पूछा। राजा शुकंत ने उन्हें संत सभा के आयोजन की सारी बातें बताई। इस पर नारद मुनि ने कहा, बहुत अच्छा है, संतों की सभा में जरूर जाना चाहिए। ऐसा कहकर सुकंत को जाने का आदेश दिया। सुकंत जैसे ही सभा में जाने के लिए प्रस्थान करने लगे, वैसे ही नारद जी ने उन्हें आवाज दी। इसके बाद कहा कि जिस सभा में जा रहे हो उसमें सभी को प्रणाम करना, लेकिन ऋषि विश्वामित्र का अभिवादन बिल्कुल भी मत करना। इस पर सुकंत ने पूछा कि यह तो उचित नहीं है। तब श्री नारद जी ने कहा कि तुम भी राजा हो और वह भी पहले राजा ही थे, अब संत हो गए हैं, लेकिन तुम उनको प्रणाम बिल्कुल भी मत करना। राजा सुकंत ने ठीक वैसा ही किया। सभा के समाप्त होते ही विश्वामित्र श्री राम जी से मिलने पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने यह बताया कि उनका अपमान हुआ है, वह इसे भूल भी जाते, लेकिन यह तो सभी संतों की परंपरा का अपमान है। राम जी ने पूछा, गुरु जी क्या हुआ? तब विश्वामित्र जी ने कहा कि मेरा अपमान हुआ है। राम जी ने पूछा, किसने किया? तब विश्वामित्र जी ने कहा, यह जानकर तुम क्या करोगे? इस पर श्री राम जी ने कहा कि हे गुरुवर, आपके चरणों की सौगंध लेकर प्रतिज्ञा करता हूँ कि जो सिर आपके चरणों में नहीं झुका उसे काट दिया जाएगा। कल सुबह मैं उसका वध कर डालूंगा। श्री राम की इस सौगंध का जैसे ही राजा शुकंत को पता चला, वह नारद मुनि को ढूंढने लगे। काफी देर तक वह परेशान रहे, लेकिन नारद मुनि उन्हें नहीं मिले। वह व्याकुल होकर जब रोने लगे, तब नारद जी प्रकट हुए। सुकंत ने हाथ जोड़कर उन्हें सारी बातें कह सुनाई, साथ ही प्राण दान देने की विनती की। इस पर नारद जी ने उन्हें माता अंजना की शरण में जाने की सलाह दी। यह भी कहा कि अगर उन्होंने तुम्हें बचाने का वचन दे दिया तो तुम जरूर ही बच जाओगे, लेकिन यह भी कहा कि वह किसी को यह नहीं बताएंगे कि नारद जी ने उन्हें यह सलाह दी है। राजा सुकंत माता अंजना के घर के बाहर जाकर रोने लगे। सुकंत के
रोने की आवाज सुनकर माता अंजनी बाहर पहुंची। तब उन्होंने कहा कि माता मुझे बचा ले, अन्यथा विश्वामित्र जी मुझे मार डालेंगे। इस पर माता अंजनी ने सुकंत को उन्हें प्राण बचाने का वचन दे दिया। उन्होंने कहा कि तुम मेरे शरण में हो, तुम्हें कोई भी नहीं मार सकता। इसके बाद राजा सुकंत को विश्राम करने के लिए कहा। शाम ढले जब हनुमान जी माता अंजनी के पास पहुंचे तो उन्होंने सारी घटनाएं बताई, लेकिन सुकंत को बुलाने से पहले पवन सुत से सौगंध लेने को कहा। तब श्री हनुमान जी ने कहा कि वह श्री राम के चरणों की सौगंध लेते हैं कि वह सुकंत के प्राणों की रक्षा करेंगे। तब माता अंजनी ने राजा को बुलाया। हनुमान जी ने पूछा, कौन तुम्हें मारना चाहता है? तब सुकंत ने बताया कि श्री राम उन्हें मार डालेंगे। इतना सुनते ही माता अंजना हैरान हो गई। उन्होंने कहा कि तुमने तो विश्वामित्र जी का नाम लिया था। तब राजा ने कहा कि नहीं, वह तो मरवा डालना चाहते हैं, लेकिन मारने तो स्वयं प्रभु राम ही आएंगे। हनुमान जी ने राजा सुकंत को उनकी राजधानी में छोड़ा और श्री राम के दरबार पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने राम जी से पूछा कि वह कहां जा रहे हैं। तब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने बताया कि वह राजा सुकंत का वध करने जा रहे हैं। तब हनुमान जी ने कहा, प्रभु उसे मत मारिए। राम जी ने कहा कि वह तो अपने गुरु की सौगंध ले चुके हैं, अब पीछे नहीं हटा जा सकता। हनुमान जी ने कहा, प्रभु मैंने उन्हें प्राणों की रक्षा के लिए अपने इष्ट देव यानी आपकी सौगंध दी है। तब श्री राम जी कहने लगे कि ठीक है, तुम अपना वचन निभाओ और मैं अपना वचन निभाऊंगा। हनुमान जी राजा सुकंत को लेकर पर्वत पर पहुंचे और राम नाम का कीर्तन करने लगे। उधर राम जी राजा सुकंत को मारने के लिए उसकी राजधानी पहुंचे, लेकिन वह वहां पे नहीं मिले तो वह उन्हें ढूंढते हुए उस पर्वत पर आ पहुंचे। वहां हनुमान राम मंत्र का जप कर रहे थे। राम जी को देखते ही सुकंत डर गए। उन्होंने कहा कि अब तो राम उन्हें मार ही डालेंगे। वह बार बार हनुमान जी से पूछता कि मैं बच जाऊंगा कि नहीं। तब उन्होंने कहा कि राम मंत्र का जप करते रहो और निश्चित ही तुम राम के कोप से बच जाओगे। और राजा सुकंत ने भगवान राम के नाम का स्मरण करते हुए राम नाम का मंत्र का जप करने लगे। भगवान नाम का पूरा भरोसा है, लेकिन वह काफी डरते रहे। तो हनुमान जी ने सुकंत को राम नाम के घेरे में बिठा दिया। इसके बाद राम नाम जपने लगे। राम जी ने राजा सुकंत को देखकर जब बाण चलाया, बाणों की वर्षा की, बाण चलाना शुरू कर दिया तो वह राम नाम के मंत्र के आगे विफल हो गया। राम जी हताश हो गए कि यह क्या हो रहा है। यह दृश्य देखकर श्री लक्ष्मण जी को यह लगा कि हनुमान जी भगवान राम को परेशान कर रहे हैं, तो उन्होंने स्वयं ही हनुमान जी पर बाण चला दिया। लेकिन यह क्या, उस बाण से पवनसुत के बजाय श्री राम मूर्छित हो गए। यह देखते ही लक्ष्मण जी दौड़े और देखते ही बाण तो हनुमान जी पर चलाया था, लेकिन मूर्छित श्री राम जी कैसे हो गए। तब उन्होंने देखा कि पवनसुत के हृदय से तो खून बह रहा है और
उस हृदय में तो श्री राम बसते हैं। राम जी जैसे ही होश में आए वह हनुमान जी की ओर दौड़े। उन्होंने देखा कि उनकी छाती से रक्त बह रहा है। वह हनुमान जी का दर्द देख नहीं पा रहे थे। वह बार बार उनकी छाती पर हाथ रखते और आंखें बंद कर लेते। पवन सुत को होश आया तो उन्होंने देखा कि राम जी आंखें बंद करके हनुमान जी के छाती पर बार बार हाथ रख रहे हैं। फिर हनुमान जी के सिर पर हाथ फेरते हैं। तब पवन सुत ने शुकंत को पीछे से निकाला और उसे अपनी गोद में बिठा लिया। तभी राम ने फिर से हनुमान जी के माथे पर हाथ फेरा, लेकिन इस बार वह पवन सुत की जगह राजा सुकंत थे। राम जी मुस्कुराए और हनुमान जी से बोल उठे कि नाथ, अब तो आपने इसके सिर पे हाथ रख दिया है, अब तो सब कुछ आपके हाथ में है, इसकी मृत्यु भी और जीवन भी। आप ही सुकंत के जीवन की रक्षा कर सकते हैं। राम जी ने हनुमान जी से कहा कि जिसे तुम अपनी गोद में बिठा लो उसके सिर पर तो मुझे हाथ रखना ही पड़ेगा, लेकिन गुरु जी को क्या जवाब देंगे। तभी हनुमान जी को विश्वामित्र जी सामने आते दिखाई पड़े। उन्होंने राजा सुकंत से कहा कि जाओ और उन्हें जाकर प्रणाम करो, नहीं किया तो क्या, उस समय नहीं कर पाए, लेकिन अब कर लो। राजा ने दौड़कर विश्वामित्र जी का अभिवादन किया। वह भी प्रसन्न हो गए और बोले, राम इसे क्षमा कर दो। मैंने इसे क्षमा कर दिया है, क्योंकि संत का काम मिटाना नहीं बल्कि सुधारना होता है। यह भी सुधर गया है। उन्होंने शुकंत से पूछा कि संत का अपमान न करने की सलाह तुम्हें किस कुसंग में मिली। राजा शुकंत ने विश्वामित्र जी से कुछ कहते कि इससे पहले ही नारद मुनि प्रकट हो गए। उन्होंने सारी घटना कह सुनाई। तब विश्वामित्र जी ने पूछा कि नारद, तुमने ऐसा सलाह क्यों दी। तब नारद जी ने कहा कि अक्सर ही लोग मुझसे पूछते थे कि राम बड़े या राम का नाम बड़ा, तो मैंने सोचा कि क्यों न कोई लीला की जाए कि लोग अपने आप ही समझ ले कि भगवान से अधिक भगवान के नाम की महिमा है। तो यह कहानी आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल पे अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन घंटी दबाएं। लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहे और स्वस्थ रहे। जय श्री राम, जय।